in a test experiment on a model aeroplane in a wind tunnel. अब देखो आपको क्या लगता है, एरोप्लेन पहले बनेगा फैक्ट्री में, फिर रनवे पे उतरेगा, फिर कहेंगे चलो टेस्ट करके देखते हैं, है ना, गिर गया तो कोई बात नहीं, नहीं गिरा तो ठीक है, मतलब ऐसे तो होता नहीं होगा। तो पहले प्रोटोटाइप बनता है, मॉडल बनते हैं, उसके मॉडल उड़ाए जाते हैं, मॉडल लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट कैसे किए जाते हैं, विंड की टनल ले लेते हैं, हवा की जबरदस्त टनल, हवा चलाते हैं और एरोप्लेन को धागे से टांग देते हैं। अब इमेजिन करो एरोप्लेन लटका हुआ है और हवा चल रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे एरोप्लेन नहीं उड़ रहा है। जब हवा में उड़ेगा तब भी तो एक ही सिचुएशन है, वो चलेगा तो एयर क्रॉस होगी, यहाँ पर वो चल नहीं रहा, एयर फ्री में क्रॉस करवा रहे हैं, तो यहाँ से वो देखते हैं कितना उड़ सकता है, उड़ाना है उसे। तो वो कहते हैं कि हमने क्या किया, स्पीड ऑन द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द विंग्स आर 70 एंड 63। तो एरोप्लेन के ऊपर 70 की स्पीड से पास कर दी एयर और नीचे 63। व्हाट इज द लिफ्ट ऑन द विंग, लिफ्ट क्या होता है, फोर्स, लिफ्ट ऑन द विंग फोर्स इफ एरिया इज 2.5। तो विंग के ऊपर फोर्स निकालनी है। अब एक बात बताओ, इसमें डेंसिटी एयर की गिवन है, आपने कुछ नहीं करना, आपने एरोप्लेन के क्वेश्चन में ऐसे केस में क्या लगानी है, बर्नौलीज थ्योरम, एक एरोप्लेन के नीचे एक एरोप्लेन के ऊपर, तो ये रही बर्नौलीज थ्योरम। आपने पोटेंशियल एनर्जी को तो लेना ही नहीं है, तो एच और एच वाली टर्म तो आपने कैंसिल ही कर दी, छोड़ दो, इसका कोई कंपैरिजन नहीं, किसी न्यूमेरिकल में नहीं लेना। क्या बचा, P1, P2, V1, V2, P1 वाली टर्म्स एक तरफ, V1 वाली टर्म्स एक तरफ, तो आपको वेलोसिटी अपर पता है 70, लोअर पता है 63, तो आपको डेंसिटी पता है यहाँ से कितनी 1.3, तो आपको ये टर्म पता है डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, प्रेशर का डिफरेंस। तो नीचे और ऊपर प्रेशर का डिफरेंस आ गया, प्रेशर के डिफरेंस को एरिया ऑफ विंग से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास फोर्स आ जाएगी एक विंग के ऊपर, एक विंग के ऊपर। और अगर दोनों विंग्स पे निकालनी है तो इस रिजल्ट को ट्वाइस कर देना, दोनों विंग्स का एरिया ले लेना तो फोर्स डबल आ जाएगी। तो दोनों लिखाना, अगर एक विंग की फोर्स इतनी, दो विंग्स की इतनी। पर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या करना है, आपने ऊपर नीचे बर्नौलीज लगा के पोटेंशियल एनर्जी को निगलेक्ट करके आपने क्या करना है, प्रेशर का डिफरेंस निकालना है, और प्रेशर के डिफरेंस को एरिया से मल्टीप्लाई करके फोर्स की वैल्यू निकालनी है। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है यहां तक, ठीक है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना प्लीज। द रीडिंग ऑफ प्रेशर मीटर अटैच विद क्लोज वाटर पाइप इज गिवन। तो ठीक है, एक पाइप है, पीछे से पानी है उसके आगे, हम जाने नहीं दे रहे, बंद किया हुआ है, आगे प्रेशर मीटर लगा दिया और प्रेशर मीटर ने इतनी रीडिंग हमें दी। ऑन ओपनिंग द वेल्व रीडिंग ऑफ प्रेशर रिड्यूस टू इतना, जैसे आपने वो खोला, उसका टैप खोला, पानी निकलना स्टार्ट हो गया, प्रेशर थोड़ा गिर गया। ठीक, स्पीड ऑफ द वाटर बताने आपको क्या है पाइप के अंदर, तो क्या पता है हमें, प्रेशर पहले इतना था, प्रेशर बाद में इतना है। जब प्रेशर इतना था, ज्यादा था, पानी बंद था, तो वेलोसिटी जीरो थी, और ओपन करने के बाद वेल्व क्या हुआ, वेलोसिटी वी टू हो गई। लगाओ पाइप में बर्नौलीज, तो एच एच तो लेना ही नहीं, तो क्या किया, प्रेशर पहले इतना था, डेंसिटी वाटर की बाय डिफॉल्ट 1000 होती है एसआई में, वेलोसिटी पहले जीरो थी, प्रेशर अब नया आ गया, डेंसिटी वाटर की पता है वी टू, वेलोसिटी नई निकालनी है, सॉल्व करके V2 आ गया, सही है। तो जब भी टैप के क्वेश्चन आ जाए, पाइप के क्वेश्चन आ जाए, प्रेशर का चेंज आ जाए, वेलोसिटी के साथ आ जाए, बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है यहां तक? इस क्वेश्चन को देखो,
एयर ऑफ डेंसिटी 1.3 ब्लोज हॉरिजॉन्टली, हवा चल पड़ी हॉरिजॉन्टली विद स्पीड ऑफ 108, कहां पर? छत के ऊपर, जिसका एरिया गिवन है. मैग्नीट्यूड ऑफ एरोडाइनमिक लिफ्ट, एरोडाइनमिक मतलब कि जो हवा की वजह से लिफ्ट है वो निकालो रूफ के ऊपर, क्या होगा? तो हट के अंदर, इस घर के अंदर वेलोसिटी 0, ऊपर वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकेंड, डेंसिटी एयर की गिवन है. लगाओ बर्नौली नीचे और ऊपर, पोटेंशियल लेनी नहीं, P1 बाय रो, वेलोसिटी छत जो छत के नीचे कितनी? 0. तो क्या बचा? P1 बाय डेंसिटी ऑफ एयर, P2 बाय डेंसिटी ऑफ एयर, वेलोसिटी V2 कितनी है? 30 का स्क्वायर बाय 2. सॉल्व करके क्या आ गया? P1 माइनस P2. तो फोर्स की वैल्यू क्या आ गई? प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया ऑफ रो. आंसर तो हर क्वेश्चन में निकल क्या रहा है? प्रेशर का डिफरेंस इनटू एरिया से फोर्स. ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर. हॉरिजॉन्टल पाइप रनिंग फुल ऑफ वाटर, पानी से पानी बह रहा है. एट अ सर्टन पॉइंट ए इट टेपर्स फ्रॉम डायमीटर 60 to 20, दिख रहा है मुझे. प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, देखो उसने प्रेशर नहीं कहा, प्रेशर का डिफरेंस बोला. तो ए और बी पे प्रेशर कहाँ का ज़्यादा, ए की बी? पानी ए से बी जा रहा है तो बी का प्रेशर ज़्यादा कि ए का? ए पे ज़्यादा होगा कि बी पे ज़्यादा होगा? बी पे ज़्यादा होगा. ठीक है, मैं यहाँ टैप लगाता हूँ, मैं यहाँ टैप लगाता हूँ और आप पीछे से ना मोटर ओपन करना, आप मुझे पानी भेजना. तो मैं यहाँ कहूँगा प्रेशर ज़्यादा है, पीछे रहने दो प्रेशर, बिल्कुल ना रहने देना, पानी अपने आप ही आता जाएगा. मतलब कैसे? मेरे घर में इसलिए पानी आता है क्योंकि वो सुबह ट्यूबवेल वाला पानी, वो जो बंदा है वो उसको ऑन करता है मोटर को, तो वहाँ प्रेशर डेवलप होता है बहुत तेज़. मेरे घर में क्या प्रेशर है? पानी तो है ही नहीं, तो वहाँ से प्रेशर बनेगा तब जाके मेरे घर में पानी आएगा. आम घर में ऐसा बोलते हैं जो बाल्टी भरता है सुबह, वो ये कहता है आज पानी नहीं आ रहा यार, लग रहा है पीछे से प्रेशर कम है. वो ये तो नहीं कहता मैं नलके का प्रेशर कम है, पीछे से प्रेशर, तो पीछे का प्रेशर क्या करना है? पीछे से प्रेशर कम इसलिए है क्योंकि पीछे से ही प्रेशर बनेगा. और वैसे भी लिक्विड मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू अ, तो भाई लिक्विड तो यहाँ राइट जा रहा है तो यही हायर यही लोअर होगा. ठीक है, ठीक है, पीछे का प्रेशर ज़्यादा होगा तो प्रेशर हायर से लोअर की तरफ जा रहा है लिक्विड. ठीक हो गया. आगे क्या निकालना है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर. अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर क्या होता है फिजिक्स में? क्या होता है रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड? रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर का मतलब वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, यही होता है. रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, ये मुझे निकालना है. तो अगर मैं आपको इसका एरिया तो आपको पता है, अगर मैं यहाँ वेलोसिटी बता दूँ तो एरिया इनटू वेलोसिटी विल गिव वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, या मैं यहाँ की वेलोसिटी बता दूँ तो एरिया इनटू वेलोसिटी वॉल्यूम, किसी भी एक की तरफ वेलोसिटी बता दो, चाहे एंट्री की चाहे एग्जिट की, एरिया इनटू वेलोसिटी से आंसर आ जाएगा. क्लियर है यहाँ तक? अब प्रॉब्लम ये है कि रेडियस तो चलो पता ही है, इसका आधा आधा डायमीटर का आधा आधा रेडियस, एरिया भी आ जाएगा पाई आर स्क्वायर से. इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से वेलोसिटीज आ जाएंगी, a1 v1 is a2 v2, तो यहाँ पे वेलोसिटी v1, यहाँ पे वेलोसिटी v2, तो
A1 V1 A2 V2 एरिया दोनों के पता है, वेलोसिटी की रेशियो आ गई पर वेलोसिटी की वैल्यू नहीं आई, मुझे वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए। एक काम करते हैं, मेरे को कुछ नहीं आता इस चैप्टर में, एक इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आती है और दूसरी बर्नौलीज थ्योरम लगा दी, कॉन्टिन्यूटी बर्नौलीज लगा लो। तो बर्नौलीज जब लगाओगे उससे पहले प्रेशर का डिफरेंस आपको गिवन है, P1 माइनस P2 कितना गिवन है, 100 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। तो हमने प्रेशर चैप्टर कर लिया, कैसे 100 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, क्योंकि वाटर कॉलम की फॉर्म में, तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है 1 CGS में, जी कितने है 980, तो क्या आ गया P1 माइनस P2। क्या है पॉइंट, क्लियर है, जैसे HRG करते थे सेम। तो अब बर्नौलीज लगाई 1 और 2 पे, पोटेंशियल को तो लेना ही नहीं है, छोड़ देते हैं। तो P1 माइनस P2 एक तरफ, V1 और V2 एक तरफ, तो P1 माइनस P2 100 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम निकाल चुके HRG, डेंसिटी पानी की CGS में 1 है, तो यहाँ से सॉल्व करके V2 और V1 की इक्वेशन आ गई। अब V2 ऊपर मैं निकाल चुका हूँ 9 × V1, तो V2 की जगह 9 × V1 सॉल्व करके क्या आ गया, V1 आ गया, क्लियर है, V1 आ गया, V1 आ गया, उसको एरिया A1 से मल्टीप्लाई करो, A1 V1 क्या आ गया, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। तो समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट कि कैसे इसको यूज करना है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी और बर्नौलीज थ्योरम का कॉम्बिनेशन है, और ये तब लगता है जब वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड निकाल लो। तो क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है?